राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन बहस के लिए होता है। हम देख रहे हैं कि देश पिछले दिनों सदन में जो हुआ उससे बहुत पीड़ित भी है, चिंतित भी है। और जब सदन नहीं चलता है तो सत्ता पक्ष का नुकसान तो बहुत कम होता है, देश का नुकसान बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सांसदों का होता है, उसमें भी विपक्ष के सांसदों का होता है, क्योंकि उनको जनता की आवाज उठाने से रोका जाता है। और इसलिए संसद में कितने ही विरोधी विचार क्यों ना हो, कितने ही नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रकट होना ये आवश्यकता है। सदन एक ऐसा फोरम है जहां तर्क रखे जाते हैं, जहां तीखे जवाब दिए जाते हैं, एक ऐसा फोरम है जहां सरकार पर सवाल किए जाते हैं, एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है, अपने पक्ष में सफाई देनी होती है, बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। राष्ट्रपति जी की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने लंबे अरसे तक इस प्रक्रिया में भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं और उन लोगों के साथ बिताए हैं कि जिनसे ज्यादा अपेक्षा बहुत स्वाभाविक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं सदन में मौजूद सभी दलों को अहम बिल पास कराने में मदद का न्योता देता हूं, और जब मैं इस सदन कहता हूं मतलब दोनों सदन। ये बिल लोगों के लिए है, ये बिल इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से दलालों को खत्म किया जा सके, ये बिल इसलिए हैं ताकि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा सके, ये बिल इसलिए हैं ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके, ये बिल इसलिए हैं ताकि योजनाओं में आम जनता की भूमिका बढ़ाई जा सके, सामाजिक न्याय में, विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। ये बिल इस लोकतंत्र की बुनियाद को मदद करने के लिए है। ये भी नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा, ये भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा है और हमने बड़ों की बात माननी चाहिए।